हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बनाना शेक। बिल्कुल ऐसा बनाना शेक बनाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, ये हमने पहले गैस चालू करेंगे। हम इसके ऊपर हम रख देंगे दूध आधा कप। हमने दो छोटी कांच की गिलास बनाना है बनाना शेक। इसके लिए हमने एक बड़ी स्टील की गिलास दूध लिया है। ये फ्रेश दूध है, गाय का दूध है ये। इसमें मैंने आधा कप दूध डाल दिया है पतीले में। और इसमें हम डाल देंगे चीनी, क्योंकि दूध मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। ठंडे दूध में हमारी चीनी नहीं घुलेगी। ये हमने दो बड़े चम्मच चीनी डाल दी है। वो चीनी हमें जब तक घुलती है उतनी देर दूध को गर्म करना है, ज़्यादा नहीं उबालना है। इसलिए हम ऐसे चीनी घोल रहे हैं, नहीं तो ठंडे दूध में चीनी नहीं घुलेगी हमारी। दूध हमने फ्रिज में रखा हुआ एकदम ठंडा दूध लिया है। ये देखिए, हमारा दूध थोड़ा गर्म हो गया है। थोड़ा सा हम डालेंगे केसर। केसर हम दूध गर्म करते समय इसलिए डालें ताकि हमारे दूध में कलर आ जाए केसर का। ठंडे दूध में केसर डालते हैं उसका कलर नहीं आता है। ये हमारा दूध अच्छे से गर्म हो गया है। गैस हमने बंद कर दिया है। थोड़ा सा हम इलायची दाना डाल देंगे। मैंने चार छोटी इलायची आती है वो उसके अंदर से दाना निकाल लिया है और थोड़ा दरदरा कूट लिया, इसको वही डाला है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे। दो हमने केले ले लिए छिलकर। एक केला हम बारीक काटेंगे, एक बड़ा बड़े पीस में काट लेंगे। जो बड़े पीस में काटा हमने उसको तो मिक्सर के जार में हमें दूध के साथ पीस लेना है। इसको हम ऐसे ही डालेंगे अपना बनाना शेक में। ऐसे हम डालते तो बनाना शेक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हमने जो एक बनाना छिलके रखा था वो काट कर बड़े पीस में इसको हम मिक्सर के जार में डाल दिया है। अब जो हमने एक गिलास दूध रखा था उसमें से एक कप तो हमने उसमें गर्म करने में डाल दिया था चीनी घोलने के लिए। ये देखिए, ये हमारा जो बनाना हमने दूध में मिक्सी के जार में डाल के जो पीसना था वो तैयार हो गया है। इसे हम जग में निकाल लेंगे। अब बाकी की चीज़ें सब हम इसमें डाल देंगे। ये जो हमने केसर और इलायची का दूध गर्म किया था चीनी वाला, ये जो हमने जग में दूध डाला वो एकदम ठंडा था, इसलिए हमने वो भी मिक्स कर दिया बीच में। ये जो हमने कटिंग करके बनाना रखा था वो भी डाल दिया है। आप इसी हिसाब से बनाइए, बनाना शेक बहुत ही टेस्टी बनता है। ये हमने काजू भी काफ़ी सारा डाला है, बादाम। ये सब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए कितना एकदम परफेक्ट लग रहा है ना अपना बनाना शेक, बहुत अच्छा दिख रहा है और पीने में तो बहुत ही टेस्टी लग। ये देखिए, ये हमारा बनाना शेक तैयार है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा अनारदाना। ये देखिए, ये डेकोरेट के लिए डाला है और ये इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है बनाना शेक में। ये देखिए, ये हमारा बनाना शेक तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।